हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग विद सुमित। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करना किसी भी बीम का, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड उसमें हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ अ बीम विद हेल्प ऑफ मैकॉलेज मेथड। अब मैकॉलेज मेथड होता क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और साथ में इसका एडवांटेज क्या है डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर वो भी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मैकॉलेज मेथड को पढ़ने से पहले मैकॉलेज मेथड की कुछ खासियत होती है उसको जान लेते हैं हम लोग। खासियत क्या कह सकते हैं, रूल बोल सकते हैं उसको हम लोग। पहला रूल ये है, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। जब हम मैकॉलेज मेथड पढ़ लेंगे तो जो लास्ट लेक्चर होगा इस पे, उस पे मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए वो सारे जंक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जंक्शन जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो ये है। सपोज कर लो बेटा कि आपके पास एक्स माइनस ए लिखा हुआ है ऐसे, तो अगर आपको कोई बोले कि इसको इंटीग्रेट करिए तो आप करोगे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स, दैट्स इट, ये इंटीग्रेशन होगा। लेकिन मैकॉले मेथड में अगर ये टर्म आता है, यानी मैकॉले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब हम लोग को ये टर्म मिलेगा ऐसे, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन ऐसे ना करके इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये क्यों करते हैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन इतना समझिए कि जब भी आपको ऐसा टर्म मिलेगा तो आपको एज अ होल इंटीग्रेट करना होगा, ना कि इस तरीके से। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम लोग पिछले क्वेश्चंस को याद करें जिसमें हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड सीखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था। सपोज कर लो बेटा कि अगर आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इस सिंपली सपोर्टेड के बीम के मिड में अगर W न्यूटन का लोड लग रहा हो, ये डिस्टेंस L by 2 है, ये डिस्टेंस L by 2 है, हम लोग इसको बोलते थे A, इसको बोलते थे B, इसको बोलते थे C। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता था कि बताइए इस बीम में डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप क्या होंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा करते थे, वो भी हर सेक्शन के लिए अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल ए बी सेक्शन के लिए अगर हम लोग स्लोप इक्वेशन लिखना चाहेंगे या डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो अलग होगा, बीसी के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन अलग होगा, ऐसे ही अगर सीडी होता तो उसके लिए अलग, डीई होता तो उसके अलग। मतलब डिपेंडिंग ऑन जितने सेक्शंस हैं उतने इक्वेशंस बनेंगे आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन के। बट मैकॉले मेथड की क्या खासियत है, मैकॉले मेथड की खासियत क्या है, आपको एक ही इक्वेशन लिखनी है, एक सिंगल इक्वेशन से हम लोग इस पूरे बीम में किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल को लेके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इस बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो पहला काम ये करना होगा कि हमें इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हम लोग क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते समय ये हिंज सपोर्ट है, इसको हटाएंगे तो आर वी ए एक रिएक्शन ऐसे आएगा, एक रिएक्शन ऐसे आएगा आर एच ए, लोड एज इट इज वैसे ही रह जाएगा W, और यहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं RVC। ये डिस्टेंस हमारा L by 2 है और ये डिस्टेंस भी हमारा L by 2 है। आप सबको पता है कोई भी वर्टिकल लोड, सॉरी कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो RHA की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और RVA और RVC की वैल्यू जो होगी वो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं बिना कैलकुलेट किए हुए। आप सबको कैलकुलेशन आता होगा अगर यहां तक पहुंचे हैं आप, तो यू विल बी फाइंडिंग RA इक्वल्स टू W by 2 एंड RVC इक्वल्स टू W by 2, क्योंकि ये सिमेट्रिकली लोडेड बीम है और सिमेट्रिकली लोडेड बीम पे टोटल लोड जो है वो W का है, तो ये दोनों सपोर्ट इक्वल लोड को कैरी आउट करेंगे। जितना लोड इस पे आएगा उतना लोड इस पे आएगा, तो जितना रिएक्शन ये देगा उतना ही रिएक्शन ये भी देगा। टोटल लोड W है तो W by 2 रिएक्शन ये देगा, W 2 by 2 रिएक्शन ये देगा। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक। अब हम करेंगे क्या कि अगर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है ए से सी के बीच में कहीं पे भी, हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि पहले स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना होगा। उसके लिए मैं नियम बता दूं, यहां पे मैं इसको हटा के यहां पे लिख देता हूं W by 2 और इसको हटा के मैं यहां पे लिख देता हूं
अगेन w बाई टू। जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड में हर सेक्शन के लिए इक्वेशन लिखा करते थे, यहां पे केवल एक सेक्शन के लिए मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे और वो सेक्शन होगा आखिरी वाला सेक्शन। और वो आखिरी सेक्शन अगर इस बीम की बात करें तो क्या है, ए बी पहला सेक्शन है और बी सी जो है दूसरा सेक्शन है, और यही दूसरा सेक्शन इस बीम का आखिरी सेक्शन है। हम करेंगे क्या, इस आखिरी सेक्शन में एक सेक्शन कट करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक सेक्शन कट करेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन के अबाउट मूवमेंट लिखना है, तो इस सेक्शन के पीछे जितने भी लोड हैं उनका इंडिविजुअल मूवमेंट लिख लें और सबको सम कर दें तो आपको टोटल मूवमेंट मिल जाएगा उस सेक्शन के अबाउट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, एम एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू, तो इसके पीछे पहला लोड कौन है, डब्ल्यू बाई टू, और डब्ल्यू बाई टू कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो जो मूवमेंट होगा दैट विल बी डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, W by 2 into x। और चूंकि ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इसको बोल सकते हैं या सैगिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो W by 2 into x। इसके बाद पहला नियम मैकॉले मेथड का, जैसे ही एक लोड के लिए आपने या फिर एक सेक्शन में लगने वाले, जैसे इस ये कौन सा पहला सेक्शन है, AB, AB सेक्शन में लगने वाले सारे लोड्स की वजह से मूवमेंट लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद एक डॉटेड लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ये डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ये समझने के लिए कि इसके पीछे जो भी मूवमेंट्स हैं वो इस सेक्शन में लगने वाले लोड्स की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में लगने वाले लोड्स की वजह से मूवमेंट जो है हम लोग इस डॉटेड लाइन के आगे लिखेंगे, क्लियर। तो इस डॉटेड लाइन के आगे हम लिखते हैं किसकी वजह से, ये डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितने डिस्टेंस पे है, डब्ल्यू इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये टोटल एक्स है, ये एल बाई टू है, दिस विल बी एक्स माइनस एल बाई टू। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, और कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, दैट्स इट। अगर इसके आगे कोई और सेक्शन होता तो फिर से हम लोग एक डॉटेड लाइन यहां पर ड्रॉ करते, अभी आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, और फिर उसका मूवमेंट अलग से लिखते। ये डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से बाइफरकेट कर रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, जैसा हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड में किया करते थे, आपको पता है कि एम एक्स एक्स इज नथिंग बट ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्लोप इक्वेशन मिल जाएगी, और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहली बार इंटीग्रेट करते हैं, यू विल बी गेटिंग ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। और आपको पता है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। तो अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम लोग जनरली लास्ट में लिखा करते हैं, अब हैबिट में हम लोग डालेंगे मैकॉले मेथड सॉल्व करते समय, उसको जैसे ही पहले पहले सेक्शन की लोड्स की वजह से जो मूवमेंट है, मतलब इस डॉटेड लाइन के पीछे, पहले डॉटेड लाइन के पीछे जो भी टर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के बाद तुरंत आप क्या लिखेंगे, सी वन, जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। उसके बाद फिर से आपका क्या आया, डॉटेड लाइन जैसे है वैसे लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट है उनको इंटीग्रेट करेंगे, That is minus of w into x minus l by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। देखिए नॉर्मल इंटीग्रेशन इसका ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन में इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां क्या हो जाएगा, एल एक्स बाई टू। बट हमने इंटीग्रेट कैसे किया, मैंने बताया था, अभी जब भी ऐसा टर्म दिखे यानी डिस्टेंस जो भी दिखेगा आपको, उस डिस्टेंस को एज अ होल आपको इंटीग्रेट करना है, जैसा कि मैंने यहां पर किया। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर वन इज स्लोप इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, एक बार और इंटीग्रेट हम इसको करेंगे, यू विल गेट ई आई इंटू वाई दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस सी वन एक्स एंड अगेन द नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि दूसरी बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दूसरा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको भी पहले डॉटेड लाइन से जस्ट पहले लिखेंगे एंड देन अगेन योर डॉटेड लाइन माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू होल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू।
इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, दीज आर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली। लेकिन अभी ये अभी जनरल स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहां से C1 और यहां से C2, या फिर कह सकते हैं C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। C1 और C2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या किया करते थे डबल इंटीग्रेशन मेथड में, हम लोग बाउंड्री कंडीशंस यूज किया करते थे। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बीम के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इधर स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो भी कैसा है, सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस यहां पे पता होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या पता है कि जहां पे सपोर्ट लगा हुआ है यानी पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो होगा। दूसरी बात क्या, पॉइंट सी पे भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पे भी सपोर्ट लगा हुआ है। पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि सिमेट्रिकली लोडेड है। और पॉइंट बी पे ही स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन जहां मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। ये हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन के रिलेशन से जानते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो हम लोग पहले बाउंड्री कंडीशन लिख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो y equals to 0, and ये पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x equals to l y equals to 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, और आप देख पा रहे हो ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस किसके लिए हैं, डिफ्लेक्शन के लिए हैं। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग रखेंगे यहां डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, और जैसे इन दोनों कंडीशन को डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग सी वन एंड सी टू वैल्यूज ऑफ सी वन एंड सी टू। फिर हमारे पास क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन और स्लोप इक्वेशन, फाइनल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास होगी, जिसकी मदद से हमें अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछा जाए उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग पुट करते हैं, ये वाला, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, और इसे पुट कहां करेंगे, इस इक्वेशन में। तो देखिए y इक्वल्स टू 0 मतलब इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग x क्या है, ये भी 0 है, इसको भी क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म भी क्या हो जाएगा c1x, दिस विल बी आल्सो 0, C2 as it is रह जाएगा, and dotted line minus of this value is 0, लेकिन जब इसको 0 पुट करेंगे तो आपको लगेगा कि minus of L cube by 6 होना चाहिए यहां पे, बट ऐसा नहीं होगा, this will be also 0। ये मैकॉले मेथड का तीसरा नियम, जब भी आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू पुट करते समय अगर ब्रैकेटेड क्वांटिटी नेगेटिव आ जा रही है, ब्रैकेटेड क्वांटिटी अगर नेगेटिव, देखिए ये अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 में से l by 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग नेगेटिव वैल्यू। तो जब भी ब्रैकेटेड क्वांटिटी जो है अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे दे तो आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको 0 ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, 0। अच्छा, इसका लॉजिकल रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए बेटा हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 किस रीजन में है, ए बी रीजन में है, और आपको पता है ए बी रीजन की इक्वेशन कौन सी है, केवल इतनी इक्वेशन ए बी रीजन की। तो ए बी रीजन में ये इक्वेशन का पार्ट है ही नहीं, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही। लेकिन जैसे हम लोग एक्स इक्वल टू एल एल लेंगे तो किस में चला जाएगा, बीसी रीजन में चला जाएगा, और जब बीसी रीजन की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन यूज होगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है उसका, बट अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो केवल और केवल ये चेक करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना जा रहे हैं, जैसे इक्वेशन हम लोग को एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, एक्स इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, यहां पे x है ही नहीं तो c2 as it is रह गया। इस टर्म में देखिए जरा, इस ब्रैकेट के अंदर x माइनस l बाई 2 है, तो x की वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे आप, इट विल बी गिविंग यू अ नेगेटिव वैल्यू, और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आई उसको आप क्या करोगे, 0 मान लोगे, हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे मैकॉले मेथड में। तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, 0। तो ये फाइनली आपको क्या देगा, c2 equals to 0, यहां से आपको मिल गया कि जो c2 है वो क्या है, 0 है, क्लियर। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज दिस वन, इस बाउंड्री कंडीशन को फिर से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये फिर से बाउंड्री कंडीशन जो दी हुई है ये डिफ्लेक्शन की बाउंड्री कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू l बाई 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, w इंटू l क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस
सी वन एक्स की जगह फिर से क्या एल प्लस सी टू जो कि जीरो है हम निकाल चुके हैं एंड माइनस ऑफ डब्ल्यू इन टू एक्स की जगह एल बाई टू एल बाई टू माइनस एल बाई टू वी विल बी गेटिंग एल बाई टू और एल बाई टू का क्यूब क्या हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई एट तो हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई एट सिक्स 48 तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग सी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां से मिल जाएगा आपको ये टर्म इधर आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 माइनस ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू सी वन एल। इन दोनों टर्म को मैं इधर ले आया हूं, सी वन एल को उधर ही छोड़ दिया मैंने। तो अगर हम इसका एलसीएम लेने की कोशिश करें तो यू विल बी गेटिंग 48। एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा और 48 ये आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब माइनस ऑफ सॉरी आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग वन सेकंड आई थिंक यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है। यहां पे हमने किया डब्ल्यू एक्स बाई टू इसको इंटीग्रेट कर डब्ल्यू एक्स बाई टू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई फोर होना चाहिए सॉरी दिस विल बी फोर। अगेन अगर दूसरी बार इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स क्यू बाई फोर 12 ठीक बाकी सब चीजें सही है तो हम यहां पे क्या कर देते हैं डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 12 लिख देते हैं। यहां क्या देगा दिस विल बी 12 अब कितना आ जाएगा 48 डब्ल्यू एल क्यूब माइनस ऑफ 4 डब्ल्यू एल क्यूब वी विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 3 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 वन जा 3 और 3 सिक्स जा 18 तो हमें यहां से सी वन और सी टू की वैल्यू मिल गई है। सी टू की वैल्यू 0 है और सी वन की वैल्यू सॉरी यहां पे माइनस साइन होगा इट विल बी माइनस तो C1 और C2 की वैल्यू मिल गई वैल्यू सपोर्ट कर लेंगे यू विल बी गेटिंग द फाइनल इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन में सॉरी यहां पे C1 की वैल्यू पुट करूं यहां पे C1 था ना तो अगर मैं C1 की वैल्यू यहां पुट करूं इट विल बी प्लस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 सिमिलरली यहां पे C1 की जगह पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 एंड सी टू जो है जो कि जीरो है तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी। अब हमें करना क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज इक्वेशन ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जहां हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है आपका पॉइंट बी पे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो किस इक्वेशन को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर टू को यूज करेंगे और एल की वैल्यू की क्या पुट करेंगे सॉरी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स की वैल्यू का एल बाई टू पुट करेंगे। तो जैसे ही आप एल इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एल बाई टू पुट करेंगे यू विल बी गेटिंग वाई मैक्स विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई आप पुट करके चेक कर लेना यही आएगा। ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके। बात बचती है किसकी मैक्सिमम स्लोप। आप सबको पता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा होगा और स्लोप मैक्सिमम कहा होगी इधर पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे। तो पॉइंट ए पे स्लोप अगर निकालना है तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी ये स्लोप इक्वेशन। और आपको पता है ए पे एक्स की वैल्यू क्या है जीरो तो हमें करना क्या है ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये किस पे निकलेगा ए पे एंड देट विल बी इक्वल टू एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो ये फिर से नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी और मैंने बताया नेगेटिव क्वांटिटी को हम इग्नोर करके जीरो लिख देते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहां से डीवाई बाई डी एक्स एट ए इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई और ये भी फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो आपने देखा यहां पे कि मैकॉले मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन में आपको इसकी पावर नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते थे इवन डबल इंटीग्रेशन मेथड से ये क्वेश्चन और आसान होता। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि नेक्स्ट क्लास में लोग करेंगे जहां पे मैकॉले मेथड को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसका प्रोसेस जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।